आज हम रेजुग्नेशन के मतलब पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे? रेजुग्नेशन जो है ये कैसे काम करता है, कौन सा फैक्टर इसे रिलीज करवाता है और इसके क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वैसोप्रेशन की एक्सक्रीशन को बनाते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ये कैसे एक्ट करता है, डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में कैसे फंक्शन करता है, और इसके साथ देखेंगे कि किन कंडीशंस में वैसोप्रेशन हार्मोन नहीं देना चाहिए, कंट्राइंडिकेटेड है, और इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स वो भी देखेंगे। अभी मैं बुक की तरफ नहीं आ रहा, पहले जनरली आपको कुछ इसके अंदर ब्रीफ कर देता हूँ। वैसोप्रेशन हार्मोन आल्सो कॉल्ड एंटी डायुरेटिक हार्मोन, इसे एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एंटी मीन्स जो अपोज करता है, मुखालफत करता है, डायुरेसिस मीन्स जो यूरिन ज्यादा, ये ऐसा हार्मोन है जो यूरिन की एक्सक्रीशन को कम करता है। और ये रिलीज कैसे होता है, तो इसके मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस में, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसमें इसके रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। जब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑन होते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि वैसोप्रेशन एक्सक्रीट करें। और ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हार्मोन है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, इसे सिग्नल कहाँ से आता है, ये हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, जहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल मिलता है कि वैसोप्रेशन हार्मोन रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि उसमें रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जब ऑन होते हैं तो फिर सिग्नल जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वैसोप्रेशन रिलीज करता है। तो अब ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये कैसे ऑन होते हैं, इसके मतलब ये है कि ये ऐसे रिसेप्टर हैं जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं, यानी हमारा जो प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो ये ऑस्मो रिसेप्टर उसे महसूस कर लेंगे, ये उसे सेंस करेंगे तो फिर ये सिग्नल देंगे। मींस अंडर हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन के, जिसमें हमारा प्लाज्मा कहने के हाइपर ऑस्मोलर जा रहा होता है, मींस ज्यादा गाढ़ा हो रहा होता है, तो उस सूरत में ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ये वैसोप्रेशन हार्मोन एक्सक्रीट करने के लिए। क्योंकि वैसोप्रेशन का ये काम होता है, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि एंटी डायुरेटिक भी है, तो ये यूरेसिस को कंट्रोल करके, जो वाटर की एक्सक्रीशन हो रही होती है यूरिन में, उसे कंट्रोल करके ऑस्मोलैरिटी हमारे प्लाज्मा की मेंटेन करने में किरदार अदा करता है। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल ऑफ केमिकल्स एंड मिनरल्स, के ये प्लाज्मा के अंदर जो डिफरेंट यानी पार्टिकल्स हैं, या किसी भी उसके जो एक लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स की मकदार होती है, उसे ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। जितने ज्यादा मीन्स पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, मीन्स केमिकल्स उसमें ज्यादा होंगे, तो ऑस्मोलैरिटी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी। इट रेफर्स टू द ऑस्मोलैरिटी रेफर्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स ऑफ केमिकल एंड मिनरल्स सच एज सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सीरम, और इन अदर वर्ड्स द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन
expressed as the total number of solute particles per kilogram. इसे osmolarity कहते हैं. A concentration means thickness, उसका गाढ़ापन of a solution, किसी भी solution का, expressed as the total number of solute, जिसे total number of solute से हम जाहिर करते हैं, per kilogram, एक किलोग्राम solution के अंदर. जी तो ये काम कैसे करता है वैसोप्रेशन? ये हाइपरटॉनिसिटी के रिस्पांस में रिलीज होता है. हाइपरटॉनिसिटी पहले बता चुका हूँ कि हमारा प्लाज्मा हाइपरटॉनिक हो जाएगा कि गाढ़ा होगा तो ये रिलीज होगा वैसोप्रेशन. और फिर ये हमारे किडनीज जो हैं गुर्दे हैं उन पे जाके असर करेगा. क्या करेगा कि रिलीव्स आर वाटर, ये पानी को जज़ब करेगा, उसे एक्सक्रीट होने से रोकेगा और इस तरह बॉडी की जो बॉडी फ्लूइड्स की टॉनिसिटी है उसे नॉर्मल रखने में ये अपना किरदार अदा करता है. एक तो हाइपरटॉनिसिटीज की बात होगी कि वैसोप्रेशन की एक्सक्रीशन में प्लाज्मा की हाइपरटॉनिसिटी रोल अदा करती है. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो वैसोप्रेशन हार्मोन की एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं. उसमें कुछ ये हैं, नंबर एक पेन, पेन कंडीशन में भी इसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है. और दूसरे नंबर पे स्ट्रेस वाले कंडीशन में भी ADH की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाती है. इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स हैं, मिसाल के तौर पे नारकोटिक्स ड्रग्स जो हैं उनके असर के तहत भी इसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है. और इसी तरह हमारा जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, उसमें जो चेंज आएगी, उसमें कमी आएगी, तो उसकी वजह भी वैसोप्रेशन की रिलीज बनेगी. इसी तरह हमारे खून के अंदर अगर तब्दीलियां रूनमा होती हैं, कहीं कट वगैरह लग जाता है, खून बह निकलता है, उस सूरत में भी वैसोप्रेशन रिलीज होगा. और एक इसकी वजह हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, ये ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, ये भी वैसोप्रेशन के रिलीज होने में किरदार अदा करता है. इसी तरह हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाए फिर भी रिलीज होता है. एंड हाइपरकैपनिया मींस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो फिर भी वैसोप्रेशन रिलीज होता है. जी किन मेडिकल कंडीशंस में ये अपना रोल अदा करता है? चूंकि ये एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, वेजो कंस्ट्रिक्टर मीन्स नालियां तंग करने वाला, जो हमारी खून की नालियां हैं उन्हें ये उनमें से पड़ाव लाता है, उन्हें तंग करता है, तो इस लिहाज से भी ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में अपना रोल अदा करता है खून की नालियों को तंग करके. और इसके डिफरेंट हारमोन्स मार्केट में भी, इसके केमिकल जो फार्मूलाज हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे वैसोप्रेशन, लाइप्रेशन एंड डेस्मोप्रेशन वगैरह, ये अवेलेबल होते हैं इंजेक्शन फॉर्म वगैरह में. अच्छा, और इसका एक जो सबसे बढ़ के जो रोल होता है इसका, ये डायबिटिस इंसिपिडस में इसका रोल होता है. डायबिटिस इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट को प्यास बढ़ जाती है और उसके साथ उसकी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इस कंडीशन में ADH अपना रोल अदा करता है कि ये वाटर की एक्सक्रीशन को यूरिन में कम करके तो पेशेंट को स्टेबल रहने में किरदार अदा करता है. क्योंकि जितना ज्यादा यूरिन पास होगा तो उसके जिस्म पे इफेक्ट आएंगे, जैसा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी,